चादर तेरी चमकनी गुलाबी शरा। सो गाइस टाइम हो चुका है 10 और आज हम जा रहे हैं बहुत दिनों बाद बाबा मंदिर कैची धाम में और अभी हम पहुंचे भवाली और स्टार्ट यहीं से कर रहे हैं हम ब्लॉग। सभी को नमस्कार दगड़ियों, पहला प्रणाम, स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग इंद्रारे ब्लॉग में गाइस। और आज बहुत बड़ा दिन है, मंगलवार भी है, आज मेरा शो भी नहीं है और मैं जा रहा हूँ आज नीम करोली बाबा जी के दर्शन करने और साथ में मेरे पंकज और साथ में हमारा यूट्यूब का बटन देखो ये है गोल्डन बटन पीछे रखा है डिब्बे में पैक है देखो अभी मैंने वहाँ खुलेगा। बाबा जी से मैंने मतलब मन्नत मांगी थी बाबा जी और थोड़ा सा दिक्कत हो गया था चैनल में, तो मैंने यही जब भी जाता था मैं यही बोलता था बाबा जी मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर थोड़ा दिक्कत हो गई है, ठीक करते हो, ठीक सब कुछ ठीक हो गया बाबा जी के आशीर्वाद से ठीक हो गया और 2 मिलियन मेरे सब्सक्राइब भी होने वाले हैं और ये सब आपका प्यार है और मेरा गोल्डन प्ले बटन आ गया है और बहुत बढ़िया लग रहा है और आप सभी का प्यार ऐसे बना रहे, बस बाबा जी का आशीर्वाद है। मैंने कहा बाबा जी के दरबार में जाने का मौका नहीं मिला था बीच में क्योंकि मेरे लगातार शो चल रहे थे, तो आज बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है और पंकज और मैं आंसू का शूट, आंसू भी आता, आंसू शूट पे है, तो मैंने कहा चलो पंकज को चलते हैं गोल्डन बटन बाबा जी के वहाँ दर्शन करा के लाते हैं। तो गाइस सीधे मिलेंगे आपको मंदिर में, देखो वहाँ कितना कैमरा तो यूज करने देते नहीं है, बाकी हम दूर से ही दिखाएंगे, हम पहुँच गए घर के उतना ही दिखा सकते क्योंकि अंदर का वो दिखाने देते हैं, बाकी तुम बनी रहा इसी का अपने प्यार आशीर्वाद बनाएगा। कितने बार सोच लिया था ना हमने जाने का, जाने का बहुत बार सोच दिया था लेकिन हम थक जा रहे थे क्योंकि डबल डबल प्रोग्राम थे, एक तो शो शो जैसे आज घर पे एक दिन रेस्ट मिला था तो बहुत दर्द हो रही थी हाथ पैरों में, तो फिर रेस्ट कर ले रहे थे। आप बाबा जी का बुलावा आया था, बाबा जी का बुलावा आया था और मैंने कल से ही सोचा था कि जाऊंगा। अच्छा सुबह उठा मैं पंकज को फोन करा नहा धोके और मैंने कहा चलो पंकज चलते हैं बाबा जी के दरबार पे, और धूप भी इतनी अच्छी खिल रही है यहाँ पे, तो एक लाइन बोलना चाहूंगा, दरा दरबार बाबा भीड़ छिपक तू की, तेरा चमत्कार बाबा से छिपक तू की, 160 था पी तेले हनुमान धामा, भवाली बेतल के तमर कैची धामा, रख सा करिए बाबा देने हजाए, नीम करोरी बाबा देने हजाया, देने हजाए बाबा नीब करोरी, नीब करोरी बाबा देने हजाए। जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा की जय, जय सिया राम, जय सिया राम, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, चलो इष्ट देवता की जय, जय हमारे इष्ट देवता की, हमारे सारे उत्तराखंड वालों की जय और आपका प्यार आशीर्वाद ऐसे बने रहे दगड़ियों। तो अभी हम ऐसे चलते चलते ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको जरूर बताएं और बधाई मेरे को जरूर दें और क्योंकि ये सब आपका हक भी है और सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन जय कमेंट करोली बाबा कमेंट में करे, कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट करना और अच्छा लगेगा मुझे भी और नीम करोली बाबा जी को भी अच्छा लगेगा और आप सभी पे ऐसी बाबा जी हमेशा कृपा बनाए रखे आप पे, अपने आपके पूरे परिवार पे। मैं ऐसी दुआ करता हूँ कहीं भी जाता तो मैं एक अपने लिए ही नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ भगवान सभी को खुश रखे, सभी को अच्छी जिंदगी दे, सभी को अच्छे कर्म दे, बस मैं यही दुआ करता हूँ। आप लोग बने रहे गाइस, सीधा आपको नीम करोली बाबा के दर्शन कराएंगे। त्यारा दरबार बाबा भीड़ छिपक की, त्यारा चमत्कार बाबा छिपक की, 160 था पी तेले हनुमान धामा, भवाली बेतल के छे तुमर कैची धामा, रख सा करिए बाबा दण हजाए, नीब करोरी बाबा दण हजाए, जहो नीब करोरी बाबा दण हजाए, दण हजाए बाबा दण हजाए। एक अंतरा और था यार, तो देखो मंदिर दिखने लग गए यहाँ से और हम अभी पहुँचने वाले हैं, बस ये देखो यहाँ पर दिख रहा है। 2 मिनट कितने मिनट? 2 मिनट 2 मिनट सो गाइस ये देखो ये लिखा कैची और नीचे है मंदिर, ये देखो पूरा दिख रहा है, ये देखो जूम देखो ना, तो मैं आएगा सनसन का मंदिर क्या पूरा मंदिर दिख जा रहा है आ मंगल भी है क्या पता जाम भी मिल सकता मैं वहाँ आ पार्किंग, अरे मतलब कम है, अरे पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी है मतलब बहुत भीड़ है वैसे। चलो उससे आगे निकलते हैं, ये निकल गए आगे।
हम पहुंच चुके हैं पार्किंग में, ये देखो अब घुस गई पार्किंग में गाड़ी, और यहाँ पर अभी देखते हैं कोई मिलेगा। टिक टिक टिक, हमारी गाड़ी यहाँ तो खड़ी तो कर देते हैं, सामने सामने कर दो, सामने कर दो। आज कहाँ गए सब पार्किंग वाले? सो गाइस गाड़ी खड़ी कर दिया और प्ले बटन हाथ पे ही है, गोल्डन बटन प्ले तो ना है, गोल्डन बटन हुआ ना है, गोल्डन बटन है। तो चलते हैं अभी आगे आगे, चलो। सो गाइस करौली बाबा की जय। आज कोई नहीं यार यहाँ, क्या बात, ये सब नीचे गए हैं वो। चलो फिर ये देखो प्ले बटन लगा लो, ऐसे सही है, सही है। या गोल्डन बटन हाथ पे, चलो आगे आगे चलते हैं अभी। तो भाई यहाँ से ले रहे प्रसाद, प्रसाद भी तो लोगे भैया, बाबा जी को हम कम्बल चढ़ा सकते हैं और प्रसाद भी दे दो भैया। डबल बेड का तो सिंगल बेड का नहीं बताइए आप, दिखा दो, दिख सकता है डबल बेड का ये ना, क्या खोलना है फिर? दे दो, दे दो, दे दो, देना पड़ेगा ना वहाँ, किसको देना पड़ेगा है? तो हम वापस नहीं जाएंगे वहाँ, देना है हमें तो बता देना। हाँ वो अपनी इच्छा हम किसी को भी दे देंगे, और मिठाई दे दो आधे किलो लड्डू। हाँ लड्डू ही चढ़ता है। गाइस पहुंच चुके हैं मंदिर पे, ये देखो, और प्ले बटन, और एक लिया कंबल ये है, और ये प्ले गोल्डन बटन यूट्यूब का। ये रहा मंदिर, और भीड़ कम है, उतनी नहीं है जैसे आप मंगल होती ना, बहुत भीड़ रहती है ना, कम है यार बहुत फिर भी, क्योंकि ना सब वहां गया इस बार, कहाँ अयोध्या, जितने भी यूपी से आते थे ना अयोध्या पहुंचे, तो अपने तो सिर्फ राम है, राम है। चलो चलते आगे। सो गाइस पहुंच चुके हैं मंदिर, ये देखो ये है एंट, जहाँ से अंदर जाते हैं ये गए। सो गाइस अपना यहाँ से कैमरा ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ आप जूते तो उतारेंगे, उसके बाद कैमरा पूरा ऑफ ना है, यहाँ से ऑफ हो जाता है ना कैमरा। चलो पहले जूते उतार लेते हैं। सो गाइस अब देखो आगे से ना कैमरा ऑफ हो जाएगा, ठीक है, अब आपको बाहर ही मिलेंगे। से बाहर आ गए और ये लोग सब पहचान चुके हैं इंदर दा को। अच्छा चलो आप भी ब्लॉग पे आओगे। तो यहाँ कुछ मिल गया पहाड़ी लोग अपने, निकल चुके हैं बाहर को, अब जाएंगे घर को, घर को या कहाँ जा रहे अभी? कैसा लगा फिर? बहुत बढ़िया है, बस अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अच्छी जगह हो गया ना ओपनिंग इसकी, ओपनिंग जो कह रहे हो लगता हमें। हाँ दर्शन करके बहुत खुशी हुई ना, मंदिर बहुत टाइम बाद आए ना, एकदम बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत लागो बढ़िया लागो। चलो कम्बल दिया लौड़ूंगा। गैस सो फाइनली गैस पहुंच चुके हैं पार्किंग में, और हमें भीड़ भी नहीं मिली और हमें अंदर भी दर्शन मिल गए थे अच्छे खासे, मतलब वीडियो आप लोगों का प्यार आशीर्वाद, और मैं इतना खुश हूँ आज सब लोग पहचान गए थे, पर्सनली यूट्यूब को टच कराया बाबा। हाँ वो अच्छा लगा, लेकिन अच्छा लगा हम वीडियो नहीं बना सकते हैं क्योंकि वहाँ रूल बहुत तगड़ा है, रूल से बाहर नहीं जा सकते हैं। हाँ बहुत बढ़िया लगा गाइस, तो आप ऐसे बन रहे अंदर आ रहे ब्लॉग में, और जय नीम करौली बाबा की जय। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जय सियाराम, जय सियाराम। तो गाइस वहां से आके हम पहुंच चुके हैं नैनीताल, घूमते घूमते हम यहाँ भी पहुंच गए आज। आज पूरा एक्सप्लोर करेंगे आज। यार बहुत टाइम हो गया था। तो दगड़ा जैसे आप जानते हो कि मैं नीम करौली बाबा से सीधा, हमारा मूड बन गया नैनीताल,
अपने भाई को फोन करा, मैंने कहा नैनीताल घूमना, नाव में भी बोटिंग करेंगे गाइस। हाँ वेले हम, हाँ वेले आज फ्री हैं, बस थोड़ा सा घूमते हैं, और क्योंकि थोड़ा जरूरी है देवभूमि रहने, लोग यहाँ से देश विदेश से नैनीताल घूमने आ रहे हैं, हम तो यहीं रहते हैं तो अच्छा लग रहा है। अभी नैनीताल में बोटिंग करेंगे तो दिखाएंगे आपको, गाने सुनाएंगे बीच बोट में। ये देखो ताल, अच्छा लग रहा है। आज धूप भी है ना, मजा भी आ रहा है, पर यार बर्फ गिरती तो क्या मजा आता। और गिरती तो थी बर्फ, क्या हुआ? अरे पता नहीं क्या हुआ इस बार। कहाँ? ग्राउंड पे, मस्जिद के बगल में, मस्जिद के बगल में, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आज। ये देखो मस्जिद, और यहाँ पे देखो आज यहाँ पर कुछ पुलिस वालों की परेड हो रही है। परेड हो रही है, हाँ परेड हो रही है। अब निकालेंगे पार्क, पार्क के ये घुसे हम पार्क। पहुंच चुके हम, कहाँ है? चाइना मार्केट। गाइस हम सीधा नाव पे बनाएंगे वीडियो। कहाँ बनाएंगे? कहाँ? नाव पे। ओ कितने सारे यार है? कितने सारे है? खाली टच करो भाग जाएंगे। अरे बहुत है, देखो कोने तक, देखो नाव के नीचे भी है, पूरा भरा पड़ा है। बोलो। सो गाइस बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और मास्क पहनना पड़ता है क्योंकि मुझे जुकाम भी लगा है, यहाँ पे ठंडा बहुत लगता है। आज हम नाव में घूमेंगे बहुत दिन बाद। पंकज तुझे डर तो नहीं लगता? ना तो मुझे। तुम साथ पहले बैठा है इस नाव में? क्यों, उस दिन ही बैठे हैं वो, दो तीन बार बैठ गए ना साथ। हाँ हाँ आ, भीड़ कम है वैसे नैनीताल में, थोड़ा सा वो हो रहा ना, ऑफ सीजन है मुझे लग रहा है, ऑफ सीजन। अब गर्मी में देखना। और गाइस देखो मच्छी, कितने बड़ी बड़ी मच्छियां हैं यहाँ पे। मच्छी को मारते नहीं है, इनको मारते नहीं, इनको खिलाते यार, लेकिन आप खिलाने भी मना कर रखा है। हाँ मना कर रखा है। कितनी बड़ी दिख रही है। सो गाइस देखो कितनी बड़ी मच्छी है यहाँ पे। भाई यहाँ से ऐसा लग रहा फील आ गया था विदेश वाला ना। So guys, हम फाइनली पहुंच चुके हैं बोटिंग करने। आज मैं भी झगड़ा किया बोट में आई मैं। So guys हम हैं अभी बोट में, और दादी का नाम कहाँ से पूछो? ठाकुर सिंह चौहान है दादा। ठाकुर सिंह चौहान। चौहान? चौहान। अच्छा। चौहान से हमें पहले भी घुमा चुके हैं। हाँ। और आज फिर पर्सनल इनकी बोट पे हम घूमते, जब भी आते इनके बोट पे ही घूमते हम, और बहुत अच्छा लगता नैनीताल में आके। पीछे घर दिख रहे हैं, लोग यहाँ देश विदेश से लोग घूमने आते हैं, हम तो यहीं के हुए, बहुत अच्छा लगता मुझे। और देखो बगल में घर दिख रहे हैं, पहाड़ में सब जगह घर दिख रहे हैं, सब जगह घर है, बीच में तालाब है। ये एक कुदरत का करिश्मा है, जो एक नेचुरल ये तालाब है या, और इससे भी नीचे भीमताल है, नौकुचाता जी, नौकुचा ताल भी है ना। हाँ ताल, भीमताल, नौकुचाताल, परिताल, परिताल, परिताल तो बहुत दूर है पैदल हो, कमल ताल, सड़िया ताल, सज्जा ताल। ये देख रहे हो इंदर देखे पीछे ना, बर्फ गिरती थी, लेकिन अभी इस बार पता नहीं बर्फ ही नहीं गिरी। बर्फ नहीं गिरी दादी? नहीं। मुश्किल है अब? बर्फ नहीं गिरेगी मेरे हिसाब से, अब गिरी नहीं, गिरेगी तो सभी जगह गिरेगी। हाँ और गिरेगी ना फिर रुकेगी नहीं एंकर। सो गाइस तो बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे, जब तक खुद के हाथ में फोन आके जब तक खुद ना बोलो तब मजा नहीं आता। पंकज बना तो रहा है लेकिन वो मजा नहीं आ रहा जब खुद के हाथ से। पंकज देखो
पंकज जी बैठा है बीच में और तेरे को मजा आ रहा नहीं आ रहा ये बता पहले। सो गाइज मुझे तो बहुत मजा, वाह अब दिख रहा पंकज साहब। सो गाइज बहुत अच्छा लग रहा है और ये देखो नैनीताल और ऊपर इसने व्यू विदेश वाली फीलिंग आ रही है पानी देख के। हां ऊपर में अब ये देख सकते हैं आप पानी ज्यादा है चौमास में होता ज्यादा, आजकल तो कम है। नहीं अभी ज्यादा वैसे ज्यादा है देखो ना ये देखो इतना डूब रहा है। अच्छा लग रहा है दगड़ियों आप लोग ऐसी प्यार दें और घूम रहे हैं आप थोड़ा सा जुकाम तो लगना ही लगना है 100%। डस्टबिन में बनाया है डस्टबिन में बना रखा है और ये डस्टबिन तालाब का गंदगी ना हो और वैसे क्लीन रहता तालाब हमारा हमेशा। मम्मी मैं नैनीताल पहुंच गई यार। सो गाइस तो बहुत अच्छा लगा नैनीताल घूम के और दादी ने घुमाया हमको ठाकुर सिंह बिष्ट चौहान जी ने बिष्ट कह रहा हूँ और ये है नैनीताल पूरा देख सकते हैं आप और ये पंकज है। सो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बने रहा इंदर आरे ब्लॉग में। सो गाइस अल्मोड़े की बाल मिठाई त्यार गाला समय अच्छा लगा यार बहुत बढ़िया हमारे गाने के नाम तो लिखे बीच में अलमोड़े की बाल मिठाई तेरा गला समाई धुनी की खुट नजर संभाल लुगाई बनी ठेणी बेरा मधु तू जल जाए बजरा जुला में हाई जला जुला में हाई। ये देखो गाइस बहुत अच्छा लग रहा हो अच्छा लग रहा ना याद आ गई गाँव की उसको देख के गाँव की याद आती है। जो भी यहाँ से गाँव को जाएगा अपने गाँव को याद करेगा जो यहाँ से शहर की ओर जाएगा वो भी याद करके जाएगा या तो एक सेल्फी लेके जाएगा या फिर याद ही करके जाएगा।